बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IITG एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह टॉपिक्स जो है वो किए, कैटलिस्ट को भी देखा। कैटलिस्ट की वजह से रेट कांस्टेंट कैसे डिस्टर्ब होता है वो तो अपन को पता चल गया, लेकिन व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, ये टॉपिक थोड़ा एक बार देखो। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। टेम्परेचर पे हमने देखा था, टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन केसी हम लोगों ने समझा था। टेम्परेचर का जो इफेक्ट था केसी पे वो किस तरह से था, वो कुछ इस तरह से था कि तुम लोगों को डिपेंड करेगा रिएक्शन के नेचर पे कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। बट अब नेक्स्ट जो यहाँ पे हमको देखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो है ही, ये देखना है कि कैटलिस्ट का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कैटलिस्ट को थोड़ा सा यहाँ पे तुम लोगों को सोचना है। तो कैटलिस्ट जो है, अगर मैं ध्यान से देखूँ, कैटलिस्ट एक्चुअली में करता है क्या है? मैंने बोला कि रेट को इंक्रीज डिक्रीज करने का काम करता है, बट ये बात तुमको थोड़ा यहाँ याद रखनी है और पता भी होगा अगर तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, हमने अपनी क्लास में बताया था लास्ट ईयर। कैटलिस्ट जो है इट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज नेगेटिव के टर्म में बात कर रहे हैं। मान लो कि हम जनरली पॉजिटिव कैटलिस्ट की ही बात करते हैं, तो मैं इंक्रीजेस खाली लिख रहा हूँ। इट इंक्रीजेज KF पॉजिटिव मान लो की बात करो, इट इंक्रीजेज KF एंड KB अगर बैकवर्ड रिएक्शन है तो। क्योंकि भाई देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो वहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला कंसेप्ट अपने आप लग जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैं KF KB क्यों लिखना चाह रहा हूँ, है ना। यू शुड बी क्लियर अबाउट इट, एकदम क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को कि जब KC बोल दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल दिया, तो ऑब्वियसली वहाँ पे रिवर्सिबल वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं, तो KF और KB भी डिफाइन होता है। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट की अगर बात करें तो इट इंक्रीजेस KF एंड KB बोथ बाय सेम फैक्टर, मतलब कि एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर A टू B हो रहा है और B टू A भी हो रहा है तो फाइनली हुआ क्या, फाइनली हुआ तुम्हारे साथ यही कि अगर ये दोनों चीज एक ही जगह हो रहा है तो इट सिंपली मीन्स के KF KB जो है वो अलग नहीं जा सकता, एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर दोनों पार्ट हो रहा है, A टू B भी हो रहा है, B टू A भी हो रहा है, तो सेमी कैटलिस्ट दोनों को ना रिएक्शन सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, और अगर सेमी कैटलिस्ट दोनों को ही रिएक्शन सरफेस प्रोवाइड कर रहा है तो दोनों का ही जो रेट होगा वो सेम फैक्टर से बढ़ जाएगा। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो कि KF डैश जो है कैटलिस्ट डालने के बाद मान लो रेट मान लो बढ़ गया, तो KF डैश अगर n टाइम्स KF हो जाता है तो KB डैश भी जो है वो क्या हो जाएगा, वो n टाइम्स ऑफ KB हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। और फिर से जब तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, KC इज ऑलवेज इक्वल टू KF बाय KB। अगर KC डैश तुम बोले तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसको बोलते हो कि KF डैश बाय KB डैश,
तो ये कैसे आएगा, यह जाएगा एन टाइम्स ऑफ के एफ बाय एन टाइम्स ऑफ के बी, एन से एन कैंसिल हो गया, ये फिर से के बाय के बी आ गया, मतलब इट इज इक्वल टू के सी। तो के सी डज नॉट चेंज, केसी डज नॉट चेंज, केसी की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू को कैटलिस्ट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर तुम लोगों को हो जानी चाहिए। केसी की जो वैल्यू है इट इज अनअफेक्टेड, इट डज नॉट चेंज इफ वी चेंज, इफ वी एड कैटलिस्ट। टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो बताया था कि टेम्परेचर का डिपेंडेंस एंडो और एक्सो को लेके हो जाएगा केसी में, लेकिन कैटलिस्ट में तुम देख सकते हो कि वैल्यू जो है वो चेंज ही नहीं होती, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म सेम सरफेस इज अवेलेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ऑल्सो एंड फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ऑल्सो, दोनों रिएक्शन के लिए सेम प्लेटफॉर्म तुम्हारे पास है, इसलिए चेंज नहीं होता है वहाँ पर, चेंज नहीं होता है, इस बात का ध्यान रहे। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं टेम्परेचर कोफिशियंट की। टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रिएक्शन, देखो टेम्परेचर कोफिशियंट जो है ना वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे उसमें भी आएगा, उसमें टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ सेल बोला जाता है, यहाँ पे मैं क्या है यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ कि रिएक्शन के टर्म में टेम्परेचर कोफिशियंट क्या है। तो वहाँ वाला टेम्परेचर कोफिशियंट जब आएगा तो वो यहाँ से डिफरेंट है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ये नहीं सोचना कि सर ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट है क्या कि मान लिया कि आप जो है किसी भी रिएक्शन का 10 डिग्री मान लिया कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन का 10 डिग्री या 10 केल्विन बोल लो, डेल्टा है तो डिग्री में बोलो या केल्विन में बोलो बात बराबर है, अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो जो रेट है उस वो कितने टाइम्स बढ़ जाता है ना, उसी चीज़ का ये रेशियो है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि व्हाट एक्चुअली इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर टेन डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। तो रेट कांस्टेंट बोलो या रेट बोलो बात बराबर है, तो 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन, देखो चेंज निकाल रहे हो तो चेंज जो है वो डिग्री सेल्सियस बोले या केल्विन बोले बात बराबर आएगा वहां पे, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से ट्रीट कर रहा हूँ कि 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन। अब ये नहीं बोलना कि सर एक डिग्री मतलब कि 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन होता है, आपने यहाँ पे जो है क्या गड़बड़ कर दिए, भाई चेंज की बात कर रहे हैं, तू चाहे डिग्री सेल्सियस में चेंज कर ले बेटा या तू चाहे केल्विन में चेंज कर ले, चेंज तो उतना ही आएगा ना, जैसे पॉइंट समझ मेरा। अगर मैं बोलता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस तो इधर तू केल्विन में क्या बोलेगा, तू केल्विन में बोलेगा 273 केल्विन। मैं बोलता हूँ 1 डिग्री सेल्सियस तू क्या बोलेगा, तू बोलेगा 273 + 1 मतलब 274 केल्विन बोलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज निकालूं 1 - 0 कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया, यहाँ पे चेंज निकालूं 274 - 273 कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया। तो जब आप चेंज निकालते हो तो चेंज चाहे सेल्सियस में निकालो या केल्विन में निकालो वो चेंज जो है वो सेम आएगा, क्योंकि दोनों में
बस एक 273 का फर्क है और कोई फर्क नहीं है, बट डेल्टा निकालोगे तो डेल्टा तो उसी हिसाब से एडजस्ट हो रहा है ना। आई होप समझ गए हो तुम मेरी बात, है ना। वो जीरो और वन और 273 274 चेंज कितने का आया, चेंज सेम होता है, वन आया जैसे उसमें। तो फॉर पर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन जब आप चेंज करते हो, चाहे आप इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, तो रेट किस हिसाब से चेंज होता है, रेट रेट जो है या रेट कांस्टेंट का जो रेशियो है वो क्या निकल के आता है, उसी को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर म्यू। नहीं, म्यू सिंबल है। देखो बहुत ऐसा सिंबल तुम लोगों ने पढ़े होंगे, एक होता है, एक और होता है न्यू, बोलते हैं ई इज इक्वल टू एच न्यू। प्लैंक्स वाली क्वेश्चन में रहे ई इज इक्वल टू एच न्यू बोलते हैं, वहां पे फ्रीक्वेंसी को हम लोग डील कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ये म्यू, म्यू से और भी चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं। म्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट होता है, ठीक है ना, और भी कोफिशिएंट्स वगैरह जो है वो, जब इलास्टिसिटी वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ भी कभी कभी किसी किसी बुक्स में तुम देखोगे म्यू से रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ फिलहाल हम लोग टेम्परेचर कोफिशेंट को म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये तो हुआ कि थ्योरेटिकल चीज़ कि भाई 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो रेट कितना बढ़ गया। अब इसको न्यूमेरिकली जो है वो कैसे हम लोग लिखते हैं वो देख लो। तो न्यूमेरिकली जो है कुछ इस तरह से अपन लिख सकते हैं कि आर टी प्लस डेल्टा टी बाय आर टी, क्योंकि जितना भी चेंज होके आ गया वो रेशियो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इट इज इक्वल टू के टी प्लस डेल्टा टी बाय के टी। इट इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशियंट की पावर डेल्टा टी बाय 10। टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है ना। तुम चाहो तो इसको तुम कैपिटल से भी लिख सकते हो, बट ठीक है, समझ गए तो दिक्कत नहीं है। तो फाइनल जो रेट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिवाइड बाय इनिशियल जो रेट था उसका जो रेशियो है वो आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन अगर आपको पता है तो उसके टर्म में ऐसा बोल पाओगे कि म्यू की पावर डेल्टा टी बाय 10, क्योंकि आप हर 10 डिग्री चेंज या 10 केल्विन चेंज के लिए डिफाइन करते हैं अपना म्यू। इस चीज़ को मैं तुम्हें थोड़ा लॉजिकली समझाता हूँ कि एक्चुअली में क्या मीनिंग हो रहा है। ये तो हो गया कि फॉर्मूला तुमको ये यूज करना है मैथमेटिकली, ठीक है। जो टी प्लस डेल्टा टी लिखे हुए तुम ऐसा उसको आर डैश अपॉन आर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन ऑल्सो से लाइक दिस कि आर डैश अपॉन आर जो न्यू तुम्हारा है इट इज इक्वल टू के डैश अपॉन के, इट इज इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा टी बाय 10। समझ गए बात को, जो रेशियो है और कोफिशेंट का जो है टेम्परेचर कोफिशेंट इसका जो है उसके टर्म में कैसे आप ले सकते हो, तो डेल्टा टी बाय 10 क्यों कर रहे हैं बात समझो। अच्छा, तुमको एक याद होगा जब हम बात करते थे हाफ लाइफ टाइम वाला एक मेथड था अपने पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, कि एटी इट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू हाफ की पावर टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ जो है हाफ लाइफ टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, इस तरह से करते थे ना, क्योंकि वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ बताता है, एन बताता है, हाफ की पावर एन जो हम लोग बोलते हैं, एन मतलब क्या होता है टोटल टाइम बाय नंबर टोटल टाइम बाय टी हाफ। तो वहां पे टी हाफ से डिवाइड क्यों करते थे, क्योंकि वहां पे हम हर टी हाफ पे चेक कर रहे होते थे। याद करो ए नॉट से ए नॉट बाय 2, ए नॉट बाय 2 से ए नॉट बाय 4, ए नॉट बाय 4 से फिर बाय 8 बाय 16 इस तरह से आगे चल रहे थे। तो इस दौरान जो टाइम था वहां पे वो टाइम कितना था, वो टाइम था टी हाफ टी हाफ टी हाफ टी हाफ। इस वजह से हम लोग जो है टी हाफ से डिवाइड मार के
उसका पर्चे निकाल रहे थे। इन द सेम वे यहां पे हम लोग 10 से इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं बेटा, क्योंकि 10 से डिवाइड करने के बाद ही जो रेट का जो रेशियो होता है या जो रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है उसी को क्या नाम दिया गया है, टेम्परेचर कोफिशियंट का नाम दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा तुम्हें लॉजिकली समझाते हैं, ये हो गया थ्योरेटिकली, ये मैथमेटिकली हो गया, और थोड़ा लॉजिकली जो है इस चीज़ को ऑब्जर्व भी कराते हैं कि ये क्या है, और फिर एक क्वेश्चन कराएंगे तो अपने आप सब तुमको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो लॉजिकली इसको देखो कि ये क्या है। मान लो कि कोई एक रिएक्शन है और उसका जो टेम्परेचर कोफिशियंट है वो दे दिया कि द टेम्परेचर कोफिशियंट इज लेट्स से 2, है ना, टेम्परेचर कोफिशियंट जो है वो 2 दे दिया मान लो। म्यू की वैल्यू दे दी एक पर्टिकुलर रिएक्शन की। अब अगर मैं बोलता हूं कि रेट लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट है वो आर है, 25 डिग्री सेल्सियस पे रेट क्या है, आर, तो मुझे पता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो रेशियो है जो मुझे रेट का रेशियो बताता है जब जब 10 डिग्री का चेंज आपको देखना है आता है। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस से मान लो कि 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो रेट से आर से क्या हो जाएगा ये बताओ ध्यान से। अगर 25 से 35 हो गया मतलब 10 का चेंज आ गया और टेम्परेचर कोफिशियंट है 2, तो टेम्परेचर कोफिशियंट क्या होता है कि आर डैश बाय आर, कितना टाइम्स हो गया रेट। तो हर 10 डिग्री पे दुगना हो जाना चाहिए, ये इसका मीनिंग है ना। तुमको अगर हिंदी में लिखना है तो मैं लिख देता हूँ इसका लॉजिक वाला मीनिंग क्या है। दिस मीन्स हर 10 डिग्री या 10 केल्विन चेंज पे, हर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन चेंज पे रेट 2 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आया तुम लोगों को, हर 10 डिग्री चेंज पे रेट क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। दैट इज इट्स लॉजिकल मीनिंग। तो 10 डिग्री किए तो आर से क्या हो जाएगा बेटा, आर से हो जाएगा 2R, आर से हो जाएगा 2R। अच्छा ये 35 है, 35 से मान लो 45 कर दूंगा तो रेट कैसा चेंज हो जाएगा, रेट हो जाएगा चेंज, रेट अब इसका डबल होगा भाई, ये 10 डिग्री बढ़ा ना। तो यहां से तुम देखोगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो 2R है, तो अब यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 4R एंड सो ऑन। आई होप तुमको लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट है क्या, कि हर 10 डिग्री पे कितना चेंज आ रहा है रेट में, दैट इज जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब देखो इसको हम फॉर्मूले वाइज जैसे तुमको बोले थे, तो लेट्स से हम 25 और 45 को पकड़ लेते हैं, 25 और 45 को पकड़ लेते हैं। तो ये मेरा आर डैश है, तो मैं लिख सकता हूँ, है ना, मैं इसको पकड़ रहा हूँ टर्म वाले टर्मिनल वाले चीज को पकड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो आर डैश मतलब कि 4R बटा R इनिशियल R, इट इज इक्वल टू क्या सिखाया था तुमको फॉर्मूला, म्यू की पावर डेल्टा टी बाय 10। म्यू कितना क्वेश्चन का, 2, तो 2 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी टोटल कितने का हुआ, यहाँ से अगर यहाँ तक बात करें तो 25 से 45 कितना हो गया, 20 का चेंज, डेल्टा टी है 20 बाय 10,
मतलब कि क्या है ये है टू का स्क्वायर, मतलब कि क्या है ये फोर, तो क्या आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया 4 बराबर 4 आ गया। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, क्या प्रूफ किए हैं भाई, वो वाला फॉर्मूला, दैट इज जस्ट अ पैटर्न। देखो बहुत ढेर सारा चीज ना पैटर्न से चलता है, तो पैटर्न जो है ये प्रूव हो गया कि आर डैश अपॉन आर इट इज इक्वल टू के डैश अपॉन के इट इज इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा टी बाय 10। दिस इज प्रूव्ड। अब इस पे एक क्वेश्चन दे देता हूं और तुम देखो कि तुमसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं। टू रिएक्शंस हैविंग टेम्परेचर कोफिशियंट एज 2 एंड 3 स्टार्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस हैविंग सेम रेट। कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर रेट एट 65 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन जो है तुम्हें करना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है बेटा। टू रिएक्शंस हैविंग टेम्परेचर कोफिशिएंट एज 2 एंड 3 स्टार्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस हैविंग सेम रेट। तो इनिशियल में जो है रेट दोनों का सेम था ऐसा बोल रहा है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेट एट 65 डिग्री सेल्सियस। तो 65 डिग्री सेल्सियस पे रेट की बात जो है ये पूछ रहा है, दोनों के रेट को कंपेयर कर रहा है। अब अभी जो हमने तुम्हें फॉर्मूला सिखाया उससे भी तुम डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, अदरवाइज जैसे हमने फ्लो डायग्राम में क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसा भी आप जा सकते हो दोनों को रेट को कंपेयर करते हुए, है ना। तो एक तरफ अपन 2 वाले को ले लेते हैं, एक तरफ अपन 3 वाले को ले लेते हैं और फिर फॉर्मूले से भी देख लेंगे, दोनों से आपको सेम आंसर मिलना चाहिए। तो पहले फ्लो डायग्राम से तुमको मैं दिखा देता हूँ। फ्लो डायग्राम से किस तरह से होगा, मान लो कि 25 से स्टार्ट हुआ है ना, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, मान लो 25 से स्टार्ट हुआ है और ये है आर, तो 25 डिग्री सेल्सियस से जब 35 हुआ होगा तो आर से ये हो गया होगा 2 आर, क्योंकि कोफिशेंट 2 है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आई एम टॉकिंग फॉर म्यू इज इक्वल टू 2। फिर 35 से जब 45 हुआ तो ये 2 आर का डबल हो गया, मतलब ये हो गया 4 आर। फिर 45 से जब 55 हुआ तो ये 4 आर का डबल हो जाना चाहिए, मतलब ये हो जाना चाहिए 8 आर। फिर 55 से जब कहाँ तक जाना है, 65, 65 डिग्री सेल्सियस हुआ तो ये इसका डबल हो जाना चाहिए, मतलब ये 16 आर हो जाना चाहिए। ये कितना हो जाना चाहिए, 16 आर, है ना, 16 आर हो जाना चाहिए। तो ये जब म्यूजिकल टू 2 लेके आप चल रहे हैं तब। इसी के नीचे अपन म्यूजिकल टू 3 वाला भी पोर्शन बना देते हैं। आर से ही वो स्टार्ट हो रहा है, बोला हैविंग सेम रेट क्वेश्चन ने बोला है, और यहाँ म्यू इज इक्वल टू 3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इवन इन सब पे भी म्यू कितना का है, 2 का ही है, जो 2 वाले के लिए मैंने ऊपर बना दिया, सब पे म्यू इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है एरो के ऊपर, ठीक है ना। नहीं तुमको जाना ही पड़ रहा है तो लिख देते हैं तुम्हारे लिए, ये लो, क्लियर। तो म्यू इज इक्वल टू 3 जो है, 25 से 35 हुआ तो आर कितना हो जाएगा, आर थ्राइस हो जाएगा इस बार, क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना बोल दिया है,
तीन बोल दिया तो ये हो जाएगा 3R। फिर से म्यू 3 है और 10 का चेंज हुआ तो इसका थ्राइस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 9R। फिर से म्यू इक्वल टू 3 है तो इसका थ्राइस हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा 27R। और फिर से इसका 3 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 81R। तो तुम देख सकते हो कि फाइनल जो रेट्स हैं वो क्या क्या है। फाइनल जो रेट्स है वो है 16R और 81R। और 16R और 81R है, इसका मतलब क्या है, मैं इसको R1 बोल देता हूँ, इसको R2 बोल देता हूँ फाइनल। तो R1 बाय R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, R1 बाय R2 इट इज इक्वल टू 16R बाय 81R, मतलब कि 16/81 जो है आंसर आ जाएगा। दिस इज बाय फ्लो डायग्राम हमने सॉल्व कर दिया, फ्लो डायग्राम से पूरा ओपन कर दिया है, देख सकते हो आंसर कितना आ रहा है, 16/81। इवन फॉर्मूला लगा के भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो वही आंसर मिलना चाहिए, क्योंकि जैसा मैं हर क्लास में ही बोलता हूँ, मतलब ऑफलाइन क्लास में तो बोलता ही था, ऑनलाइन में भी बोल देता हूँ कभी कभी, है ना, तो कि एक क्वेश्चन का क्या होता है भाई, एक ही आंसर होता है, एक क्वेश्चन के 10 आंसर नहीं होते हैं जो तुम लोग क्लास में दे देते थे, है ना। तो फॉर्मूले से भी इसको चेक कर लेते हैं, सेम आंसर जो है मिलना चाहिए, तब तक नोट करो। फॉर्मूले से देख लेते हैं, फॉर्मूला जो सिखाया तुमको R' / R इट इज इक्वल टू म्यू की पावर Δt/10, ये यूज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब म्यू 2 है उसके लिए बात कर लेते हैं, उसको फर्स्ट रिएक्शन बोल देते हैं, R1 बोल देते हैं। तो R1 और R2 को लेके यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो R1' / R1 इट इज इक्वल टू 2 की पावर Δt कितने का है भाई, 25 से 65, सीधे Δt जो है अपने पास कितने का है, 25 से 65, मतलब कि 40 का हो गया। अरे भाई 65 - 25 कितना हुआ, 40। तो R1' / R1 इट इज इक्वल टू 2 की पावर 40/10, मतलब कि 2 की पावर 4। तो R1' इट इज इक्वल टू कितना हो गया, R1' इट इज इक्वल टू हो गया 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 टाइम्स ऑफ R1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए यूज करते हैं, R2' / R2, अब क्योंकि इनिशियली जो क्वेश्चन है बोल दिया कि रेट सेम था, है ना, मैं जैसे यहाँ पे R2 लिख देता हूँ, लेकिन R2 इज सेम एज R1, ये बात समझ लेना। इट इज इक्वल टू 3 की पावर फिर से 40/10, मतलब कि 3 की पावर 4, मतलब कि 81। तो R2' कितना हो गया, 81 × R2। अब दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, विच इज सेम एज 81 × R1 ओनली, बिकॉज R1 इज इक्वल टू R2 गिवन। इनिशियली बोला हुआ है ना कि इनिशियली रेट क्या है, सेम, तो R1 इज इक्वल टू R2, तो 81 R1 हो गया। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, R1' / R2' इट इज इक्वल टू 16R1 / 81R1, मतलब कि 16/81।
सो दिस इज हाउ कैन सॉल्व द क्वेश्चन. और तुमने देखा कि हमने फॉर्मूले से भी तुमको बता दिया और हमने फ्लो डायग्राम से भी तुमको बता दिया, दोनों से सेम ही आंसर आएगा क्योंकि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है. नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे, जब हम लोग एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसकी बात करेंगे तो उसको कैसे ऑब्जर्व करना है उस पर डिस्कस करेंगे. अब हम लोग बच्चों बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, कि रिएक्शन जो है वो कितने टाइप्स की हो सकती है और उसमें क्या क्या जो है वो कंसेप्ट तुम लोगों को ध्यान में रखना है. हालांकि मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे पहले भी हल्का सा जिक्र जो है कर चुका हूँ और मैंने बोला था कि आगे वो ये पोर्शन फिर से आएगा, उसको हल्का सा एक रिवाइज करते हैं टॉपिक को. टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तुम्हें अगर याद होगा शायद पहली या दूसरी क्लास में ही मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही ब्रीफ जिक्र किया था. ये सबसे पहला टाइप है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शन, तो एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को. द रिएक्शंस विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप. द रिएक्शंस विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, जो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्री रिएक्शन. इसको सिंपल रिएक्शंस भी बोलते हैं हम लोग, कभी कभी इसको सिंपल रिएक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर सिंपल रिएक्शन, सिंगल स्टेप में जो हो जाए, एक ही स्टेप में जो हो जाए उसको ऐसा नाम दिया गया है. और इसमें जो बात ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि यहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वही बराबर हो जाता है जब आप नेट ऑर्डर की बात करते हैं, तो रेट लॉ में आप उसको इंट्रोड्यूस लिख सकते हैं, है ना. यहाँ पे स्टार लगा के लिख दो. इन दीज काइंड ऑफ रिएक्शन वी कैन राइट रेट लॉ बाय यूजिंग स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. नहीं, इन दिस काइंड ऑफ रिएक्शन वी कैन राइट रेट लॉ बाय यूजिंग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स सेम एज टेकन सेम एज इंडिविजुअल रिएजेंट ऑर्डर. इंडिविजुअल रिएजेंट ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही अपन ऑर्डर वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. मतलब देखने का क्या है, जैसे मान लिया कहीं पे लिखा हुआ है ए प्लस टू बी गिव्स सी, सपोज ऐसा लिखा हुआ है ए प्लस टू बी गिव्स सी, तो यहाँ पे क्या होगा कि आर इट इज इक्वल टू के और बोल दिया कि दिस इज एलिमेंट्री. अगर ऐसा बोल दिया क्वेश्चन ने या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया जिससे तुम ये जान पा रहे हो कि भाई ये एलिमेंट्री है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, K A की पावर 1
और बी की पावर टू, ये आप डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं, दिस विल बी कॉल्ड करेक्ट, दिस इज करेक्ट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ऐसा नहीं कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऐसा हुआ, एक्चुअली मैं ऑर्डर तुम्हें बताया था मैंने एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेटेड होता है, और ये चीज़ भी एक्सपेरिमेंटली ही देखी गई है कि जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, उसमें जो ऑर्डर होता है इंडिविजुअल रिएजेंट को लेके, वो जो ऊपर आप पावर लगाते हो वो पावर सेम जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है रिएक्शन में, वो आप यूज वही मतलब उतना ही निकल के आ जाता है, ये एक्सपेरिमेंटली ही पता लगाया गया, तो उतना ही निकल के भी आ जाता है। तो आर इज इक्वल टू के ए की पावर वन बी की पावर टू, इस तरह से आप ऐसा यहाँ पे लिख सकते हो, किस में, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में। अब यहाँ पे तुमको एक और वर्ड सुनने को मिलेगा कि मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या है वो भी डेफिनेशन के साथ जो है लिखते हैं, मॉलिक्यूलरिटी क्या है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैं इस रिएक्शन में कुछ चेंज कर देता हूँ, है ना, मॉलिक्यूलरिटी लिखाऊंगा बट थोड़ा मैं, क्योंकि तुम लोगों से क्रॉस क्वेश्चनिंग मैं करता ही रहता हूँ, है ना, तुम लोगों के मजे लेता रहता हूँ, ऐसे भी मजे लेते हुए जो है वो पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई को बोरिंग नहीं करना चाहिए, तो चलो थोड़ा तुम्हारे मजे लेते हैं बेटा। जो अभी रिएक्शन में लिखा, ए प्लस टू बी गिव्स सी, है ना, और इसका निकल के आया कि आर इट इज इक्वल टू के ए की पावर वन बी की पावर टू, ये मानते हुए कि ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो पावर है, ये जो ऑर्डर है इंडिविजुअल रिएजेंट का, ये सेम ले सकता हूँ जो कि उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब मान लो कि रिएक्शन इस ऑर्डर से जज हो रही थी, इस रिएक्शन से इस ऑर्डर से चल रही है, रेट लो रेट काइनेसिस उसका काइनेटिक्स ये बोल रहा है। इफ मैं अब क्या करता हूँ, तो रिएक्शन के मजे लेते हैं या तुम्हारे मजे लेते हैं, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय टू, रिएक्शन जो है दो से मल्टीप्लाई हो गई, तो ये क्या बन गया, 2a प्लस 4b गिव्स 2c। तो अब मुझको तुम बताओ कि इसका जो रेट है वो क्या बोलोगे, रेट लॉ जो है वो कैसे लिखोगे, या इसको क्या अभी भी हम एलिमेंट्री रिएक्शन मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये थोड़ा सोचो, तुम सोचने वाला पार्ट तुमको थोड़ा सा टास्क दे रहा हूँ, हालांकि बताऊंगा अभी मैं, बट थोड़ा सा तुम्हें सोचने पे मजबूर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ तुम सोच सकते हो, ठीक है, इतना केमिस्ट्री तुम लोगों को पढ़ाया हूँ तो इतना तो दिमाग तुम्हारा खुलना चाहिए कि भाई थोड़ा चालाक बनो, सिखाता मैं हूँ क्लास में, चालाक बनो, बैल बने के रहोगे तो फिर कोई उपाय नहीं है ना, बैल नहीं बनना है, एकदम तेज तर्राक चतुर चालाक लोमड़ी बनो, लोमड़ी। तो फिलहाल बैक टू पवेलियन क्वेश्चन, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया तो बताओ कि रेट क्या होगा, क्या अब रेट को तुम ऐसा लिखोगे, आर इज इक्वल टू के ए की पावर टू बी की पावर फोर, या अभी भी यही लिखोगे आर इज इक्वल टू के ए की पावर वन बी की पावर टू, या पता नहीं अनडिफाइंड तीसरा ऑप्शन, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो बताओ भाई क्या क्या करोगे, क्या क्या करोगे इस केस में, क्या ये लिखोगे, ये लिखोगे कि ये लिखोगे। तो इस केस में दिमाग में एक बात हमेशा रखना कि जब एक बार तुमको पता चल गया कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन
का जो रेट काइनेटिक्स का इक्वेशन है वो ऐसे वेरी कर रहा है, तो भाई वो रिएक्शन हमेशा ही वैसे ही वेरी करेगी, चाहे उसमें कुछ भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं। बात समझ पा रहे हो? एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, मान लो N2 plus 3H2 gives twice of NH3, उसका तुमको काइनेटिक्स पता चल गया कि नाइट्रोजन के हिसाब से क्या ऑर्डर आ रहा है, हाइड्रोजन के हिसाब से क्या ऑर्डर आ रहा है, अमोनिया के हिसाब से क्या ऑर्डर आ रहा है। मान लो कि तुमको ये चीज़ का ज्ञान हो गया, पता चल गया। तो जब पता चल गया कि भाई कैसे वेरी करता है, तो सब्सटेंस चेंज थोड़ी ना हो रहा है कि दोबारा से उसका काइनेटिक्स चेंज हो जाएगा। सब्सटेंस तो वही है, तो काइनेटिक्स चेंज कैसे हो जाएगा? तो काइनेटिक्स जो है वो चेंज नहीं होगा, और काइनेटिक्स अगर चेंज नहीं होगा तो बेटा ये बोलना गलत है, ये बोलना गलत है। अभी भी प्रेजेंट सिचुएशन में भी आर बराबर के ए की पावर 1 और बी की पावर 2 ही बोला जाएगा। अब होगा क्या, पहले हम लोग इसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोल रहे थे, अर्लियर इट वॉज एलिमेंट्री रिएक्शन। बट द इक्वेशन विच नाउ यू आर गेटिंग, दिस इक्वेशन विल नॉट बी एलिमेंट्री रिएक्शन। दिस विल बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब क्या? मतलब ये कि जब आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देते हो, तब फिर होता क्या है कि तब उसके बाद एक ही स्टेप में फिर वो रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर और आपने कुछ कुछ इंक्लूड कर दिया, तो उसके जो काइनेटिक्स है वो इस तरह से बैठेगा कि बीच में कुछ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो जब ये कर दिया तब क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगी, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं रहेगी। मतलब कि ये सिंगल स्टेप में नहीं होगा, दिस विल बी ऑकरिंग इन मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन बन जाएगा ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, उसको भी डिस्कस करेंगे अभी, बट क्योंकि पहले भी पढ़ाया हुआ है इसलिए याद होना चाहिए कि अब ये सिंगल स्टेप नहीं रह जाएगा। जब भी ऐसा कुछ आप करते हो कि किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, तो उसके जो है वो रिएक्टिंग नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज में चेंज आ जाता है, मतलब कितने पार्टिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं उसमें चेंज आ जाएगा। उस वजह से वहाँ पे वो सिंगल स्टेप नहीं रह पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा तो एलिमेंट्री अब नहीं बनेगा। एलिमेंट्री नहीं बनेगा तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसके कोफिशिएंट उठा के रेट लॉ लिख दें, वो गलत हो जाएगा। इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और एक बार अगर तुमको उस रिएक्शन का ऑलरेडी पता चल चुका था कि भाई ऐसे वेरी कर रहा है, तो वो वैसे ही वेरी करेगा। अगर मान लो कि ऊपर वाला इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं होता, तब भले तुमको जो है तुमको बोलना पड़ता कि यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड लाइक दिस, वी शुड बी गिवन सम डेटा, हमको कुछ डेटा चाहिए, लेकिन जब एक बार ऐसा हो गया कि जब पता चल गया, तो अभी भी वो वैसे ही वेरी करेगा, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अभी मैंने एक वर्ड बोला रिएक्टिंग स्पीसीज, है ना, यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज नंबर बढ़ जाएंगे, तो बढ़ जाएंगे तो किस हिसाब से ऑर्डर जो है वो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो क्या होगी, या नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज बढ़ेगा तो कैसे आपको रेट डिफाइन करना है, उस पर आते हैं। तो धीरे धीरे करके उसी पर बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी जो टर्म है, इसको देखते हैं कि ये क्या है। तो मॉलिक्यूलरिटी कुछ खास नहीं, जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन में जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं साइमल्टेनियस कोलिजन में, उसको हम लोग बोलते हैं। सो दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना, मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज,
विच पार्टिसिपेट in simultaneous collision in a chemical reaction. So the number of molecules, matlab reacting species, which participate in simultaneous collision in a chemical reaction. तो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है साइमल्टेनियस कोलिजन. साइमल्टेनियस कोलिजन का मतलब क्या है बेटा? साइमल्टेनियस कोलिजन का मतलब है कि एक साथ ही कोलिजन होना, है ना. एक बार में कितने कितने पार्टिकल्स जो है वो कोलाइड कर रहे हैं एक साथ, उसको हम लोग बोलते हैं कि साइमल्टेनियस कोलिजन. तो देखो मॉलिक्युलरिटी की अगर हम बात करें तो सपोज मैं अगर लिखूं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो आप आराम से जज कर सकते हो अगर आपके पास डेटा है कि जैसे ए प्लस बी गिव्स सी, अगर ऐसा हो रहा है ए प्लस बी गिव्स सी, तो इस केस में आपको पता है कि एक ए रिएक्ट कर रहा है, एक बी रिएक्ट कर रहा है, और क्या बन रहा है? सी बन रहा है. तो ए बी मिला के सी बन गया, और अगर ये मतलब एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है और कोई बीच में इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट नहीं है, तो सीधे बोल सकते हो कि इसकी जो मॉलिक्युलरिटी है वो कितनी हो जाएगी. मॉलिक्युलरिटी जो है वो हो जाएगा 2. आई एम अज्यूमिंग दिस टू बी अ एलिमेंट्री रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सीधे नंबर ऑफ, क्योंकि रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब कि यही दोनों, तो एक ये हुआ और सी बन गया. मॉलिक्युलरिटी कितना आप बोलेंगे? 2. अगर एलिमेंट्री क्वेश्चन ने बोल दिया तो. सिमिलरली अगर ऐसा बोल दिया ए प्लस टू बी गिव सी, है ना, तो फिर से एक ए और दो मिला के, दो बी मिला के सी बन रहा है. अगर मान लो ये एलिमेंट्री रिएक्शन बोल दिया तो ऐसा फिर से बोल सकते हैं कि मॉलिक्युलरिटी इसकी कितनी हो जाएगी. मॉलिक्युलरिटी जो है ये हो जाएगा 1 + 2 मतलब कि 3. तो ध्यान देने की बात है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में यहां पे अगर तुम ऑर्डर भी देखोगे तो ऑर्डर भी निकालोगे तो इसका एक्सप्रेशन ऐसे लिखोगे कि R इट इज इक्वल टू K A की पावर 1 और B की पावर 1. तो ऑर्डर भी निकालोगे तो ऑर्डर भी कितना निकल के आएगा बेटा? 2. यहां पे अगर तुम रेट एक्सप्रेशन लिखोगे तो R बराबर क्या लिखोगे? K इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 2. तो यहाँ के लिए भी ऑर्डर कितना आ रहा है? नेट ऑर्डर देखो, 1 और 2 मिला के 3. तो पते की बात क्या है? पते की बात ये है कि जो मॉलिक्युलरिटी है मतलब नंबर ऑफ साइमल्टेनियस जो कोलिजन्स हैं, एक एलिमेंट्री रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी जो है इन एलिमेंट्री रिएक्शन molecularity is same as order. Molecularity और order जो है वो बराबर होता है एक elementary reaction. हम complex reaction की भी अभी आगे बात करेंगे कि वहां पे molecularity क्या होता है, या बोलते भी हैं कि नहीं बोलते हैं, कि क्या कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं. बट बात करता हूँ कि एलिमेंट्री में, तो एलिमेंट्री में इट इज़ वेरी मच क्लियर कि एक ही स्टेप है तो उतने ही मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए, उतने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए तो वही क्या बन जाता है? उसका ऑर्डर बन जाता है. तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है. अब देखो मॉलिक्युलरिटी जो है उसको लेके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को भी तुमको लिखवाते हैं. जैसे कि मॉलिक्युलरिटी मैक्सिमम जो है वो जा से रहा 3 तक देखा गया है. 3 से ऊपर बहुत रेयर चांस होता है कि आपको मिल जाए, और उसका रीज़न ये है कि साइमल्टेनियस जो कोलिजन है वो 3 से ऊपर बहुत लेस प्रोबेबिलिटी होती है रिएक्शन को रिएक्ट करने का. साइमल्टेनियस जो है वो कोलिजन
हो नहीं पाता, तो उसको भी आप देखो। साइमल्टेनियस कोलिजन का सिंपल सा मीनिंग है कि एक साथ ही मतलब सब कुछ एक ही बार रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। जैसे पहला जो पॉइंट है मॉलिकुलरिटी को लेके, है ना, यहाँ पे मॉलिकुलरिटी लिख देते हैं। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन Molecularity is equal to order. दूसरा point, for complex reaction. तो ध्यान देना, जब complex reaction की बात कर रहे हैं तो पॉइंट अभी लिखा रहा हूँ, इसको बाद में एक एग्जांपल से अपन देखेंगे भी कि ये पॉइंट है क्या। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल जो मॉलिक्यूलरिटी है एक पर्टिकुलर रिएक्शन की जो कि कॉम्प्लेक्स है वो डिफाइन ही नहीं होता। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट अ डिफाइन, बट इंडिविजुअल या स्टेप वाइज मॉलिक्यूलरिटी is defined because steps are elementary reactions. तो इस बात का ध्यान रखें कि जब कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी ओवरऑल की बात ही नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि ओवरऑल में तो भाई इधर कुछ लगे, नीचे कुछ लगे, ऐसा कुछ लगा और ऐसा टोटल जोड़ के उसको ऐसा नहीं बोलते वहाँ पे। लेकिन इंडिविजुअल मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन आ गया, एक रिएक्शन दे दिया और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल दिया कि या दिखा दिया कि दो तीन स्टेप में ये हो रही है और बोला कि व्हाट इज़ द नेट मॉलिक्यूलरिटी, तो नेट मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नेट मॉलिक्यूलरिटी ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। इंडिविजुअल पूछेगा तो भले इंडिविजुअल रिएक्शन दिया तो उसमें आप, क्योंकि इंडिविजुअल जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे एक ही रिएक्शन को दो तीन स्टेप में कराया तो वो जितने भी स्टेप हैं वो तो सिंगल स्टेप ही है ना, तो इसीलिए वो एलिमेंट्री रिएक्शंस हो जाते हैं और वहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन आप कर सकते हो। ऑर्डर की अगर बात करोगे तो ऑर्डर तो दोनों में डिफाइन होता है, ऑर्डर एलिमेंट्री में भी डिफाइन होता है जो कि सीधे आ जाता है स्टोकियोमेट्री से, और कॉम्प्लेक्स में भी डिफाइन होता है जो कि अगर मल्टीपल स्टेप है तो फिर आपको एक उसमें तरीका है इस लोएस्ट स्टेप से जाने का, जिसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना, उसको नेक्स्ट टॉपिक में उठाने वाले हैं, तो वहाँ से आप कैलकुलेट करते हो। बट ऑर्डर दोनों जगह डिफाइंड है, ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन में भी डिफाइंड होता है और मॉलिक्यूलरिटी में भी डिफाइंड होता है, बट ऑर्डर जो है एलिमेंट्री रिएक्शन में भी डिफाइन होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी डिफाइन होता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एलिमेंट्री में खाली डिफाइन है, कॉम्प्लेक्स के लिए डिफाइंड नहीं होता है, इस बात का ध्यान रहे। ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो फिर एक और पॉइंट मॉलिक्यूलरिटी को लेके कि मॉलिक्यूलरिटी अबव 3 इज वेरी रेयर बिकॉज
प्रोबेबिलिटी ऑफ, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन्स इज वेरी लेस. तो मॉलिकुलरिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू जो देखी गई है वो तीन तक, जैसे मैंने बोला, बोले जाते हैं कि एक साथ तीन पार्टिकल आके कंबाइन हो गए, रिएक्ट कर गए, रिएक्टिंग स्पीशीज तीन हो गए. तीन से ज़्यादा जो पार्टिकल एक साथ, मतलब कि एज अ एलिमेंट्री रिएक्शन, बहुत रेयर चांस है कि ऐसा होए, क्योंकि साइमल्टेनियस कोलिजन जो है वो बहुत प्रोबेबिलिटी ऐसे होने की बहुत कम है. कभी वहाँ पे जरूर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा फिर बीच में हो जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन इज वेरी लेस एंड देयर विल बी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन. देयर विल बी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन. इंटरमीडिएट कहीं ना कहीं से जो है वो फॉर्म हो ही जाता है अगर मैं बात करता हूँ इन टाइप ऑफ रिएक्शंस में, अगर जो कि तीन से ज़्यादा मुझको स्पीशीज दिखा रहा है. अब ये साइमल्टेनियस कोलिजन को थोड़ा पिक्चरली भी जो है वो हम लोग इमेजिन करके देखते हैं कि किस तरह से साइमल्टेनियस कोलिजन जो है वो होता है. तो साइमल्टेनियस कोलिजन अगर तुम पिक्चरली देखो तो पिक्चरली कैसा होगा कि जैसे मान लो मैंने बोला था जब ए प्लस बी गिव्स सी, है ना, तो ए और बी ये दोनों कोलाइड होंगे और कोलाइड होके क्या दे देंगे, कोलाइड होके ये कन्वर्ट होके मुझको सी दे देंगे. तो यहाँ तो दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं और सिंगल स्टेप में ऐसा दो के साथ चल सकता है, ऐसा हो जाएगा काफ़ी इजीली, मतलब ये कैरी आउट किया जा सकता है. लेकिन अगर तीन से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तीन में ही बड़ा मुश्किल है भाई कोलिजन एकदम इंस्टेंटली होना, मतलब इसको इसके साथ कोलाइड करवाना है, इसको इसके साथ कोलाइड होना है, इसको भी इसके साथ कोलाइड होना है, मतलब सबको एक साथ कोलाइड होना है. तो इट इटसेल्फ इज अ वेरी अनरियलिस्टिक टास्क. ठीक है, तीनों को एक साथ कोलाइड करवाना एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ विथ एफिशिएंसी, कि वो ऐसे रिएक्ट करें कि भाई एक इधर से आ जाए, एक इधर से आ जाए और एक इधर से आ जाए और मिला के जो है वो कंबाइन होकर, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक और मान लो कि डी भी कोई अगर आ जाए वो मिला के मान लो कि डी बना दे, तो ये काफ़ी जो है मुश्किल टास्क. ठीक है, विथ एफिशिएंसी इट इज वेरी रेयर एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, सही से रिएक्शन कैरी आउट नहीं हो पाएगा अगर बहुत ढेर सारे चीज़ें हैं, है ना. सिमिलरली अगर और डायग्राम बनाऊं, जैसे मान लो इसी में और ऐसा कर दो, ये भी आके रिएक्ट कर जाए, ये भी आके रिएक्ट कर जाए, ये भी आके रिएक्ट कर जाए, एक और बना दो, ये भी रिएक्ट कर जाए और सब रिएक्ट करके फिर क्या बना दें, ई बना दें, प्रोबेबिलिटी ऐसा होने का बहुत कम है, वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, वेरी लेस चांस. और डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा. डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग इंटरमीडिएट फॉर्मेशन की बात करेंगे. तो ये साइमल्टेनियस कोलिजन किस तरह से कैरी आउट होता है वो समझ में आया तुमको,
इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम जो है 3 से ऊपर बहुत रेयर चांस है कि ऐसा देखा जाए, 3 से ऊपर बहुत रेयरली मॉलिकुलरिटी की वैल्यू जो है वो आती है। ऑर्डर तो चलो एक्सपेरिमेंटली क्वांटिटी होता है, वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मॉलिकुलरिटी है वो, क्योंकि एक साथ रिएक्ट करना वो भी एक अच्छे ओरिएंटेशन के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इतना मतलब जो है एफिशिएंसी नहीं रख पाते हैं मॉलिक्यूल स्पीशीज, या जो भी लोग एक्सपेरिमेंट भी कैरी आउट करवा रहे हैं, तो इतना अभी डेवलपमेंट नहीं हो गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ एकदम उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन और एनर्जी जो है वो प्रोवाइड हो ही जाएगा। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं होती है ओवरऑल। अगर बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर जो है ऑर्डर की भी बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी के साथ साथ दोनों रिएक्शन में, तो ऑर्डर इज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के साथ ही ऑर्डर जो है वो डिफाइन हो सकता है, और एलिमेंट्री के लिए इट इज सेम एज मॉलिक्यूलरिटी, लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए इट इज कैलकुलेटेड विथ द हेल्प ऑफ RDS, जिसको अपन बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये ऑर्डर की भी बात हो गई। तो आज हम लोगों ने ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी और रिएक्शन में कुछ चेंज कर दिया जाए तो मॉलिक्यूलरिटी को कैसा बोलेंगे या ऑर्डर को कैसा बोलेंगे, साइमल्टेनियस कोलिजन क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी कब डिफाइन है, ऑर्डर कब डिफाइन है दोनों टाइप की रिएक्शंस के लिए, उसकी हम लोगों ने यहाँ पे बात की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी जो तरीके होते हैं ऑर्डर निकालने के उसके ऊपर फोकस करेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता क्या है। अभी के लिए आप लिख लो जो मैंने लिख दिया है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। इसको नेक्स्ट क्लास में जो है बड़े अच्छे ढंग से कैलकुलेट भी करेंगे और समझेंगे भी। तो इतना रिवाइज करो, NCERT क्वेश्चन बनाओ, अपने पैकेज के क्वेश्चन बनाओ और चीज़ों को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो, कंसेप्ट को। ये सारी चीज़ें जो हैं बड़े कंसेप्चुअल हैं और समझने वाली होती हैं, इसलिए जितना मतलब समझोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा फ़ायदा होगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉलिक्यूलरिटी, एलिमेंट्री रिएक्शंस, ऑर्डर के बारे में देखा, इवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, क्योंकि मैं पहले भी तुम्हें पढ़ा चुका था तो इस वजह से उसको भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को अगर थोड़ा डिटेल में मैं तुम्हें और लेके जाऊँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ही जो रेट डिटरमाइन करना पड़ता है, रेट लॉ पता करना पड़ता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं पंगा आता है, तो एक बार कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को फिर से थोड़ा सा देख लिया जाए तो बेटर है। The reactions which occur in multiple steps. The reactions which occur in multiple steps are called complex reaction.
आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. द रिएक्शंस विच ऑकर इन मल्टीपल स्टेप्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. अगर बात करें, जैसे अगर ऐसा होता है ए से बी बनता है, बी से सी बनता है और सी से फाइनली डी बनता है, तो बेटा ये वाला जो मेरा पार्ट है ये तो क्या है, ये रिएक्टेंट है. ये वाला जो पार्ट है ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है. और ये जो दो पार्ट हैं बी एंड सी, ये जो दो पार्ट हैं ये क्या है, ये इंटरमीडिएट है. जैसा मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा होता है कि आपको इंटरमीडिएट फॉर्मेशन जो है वो देखना पड़ सकता है, क्योंकि एक स्टेप में नहीं होता है, अलग अलग स्टेप में होता है, तो बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं, बीच में ट्रांजिशन स्टेट्स भी बनते हैं, बट क्योंकि हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते इसलिए हम लोग रिएक्शन में उसको लिखते नहीं हैं, हम लोग खाली इंटरमीडिएट्स को ही रिएक्शन में लिख पाते हैं. तो अगर बात की जाए कि भाई अगर इंटरमीडिएट है और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूँ तो जैसे मैंने बोला कि ऑर्डर डिफाइन होता है, बट हम लोग को वहाँ पे क्या ढूंढना होता है, वहाँ पे हम लोग को अगर स्टेप्स दिए हुए हैं तो टाइमिंग अगर लिखा हुआ है या ऐसा लिखा हुआ है कि कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, ब्रैकेट में लिखा रहता है, रिएक्शन दे देगा और साइड में लिखा रहेगा स्लो, फास्ट, फास्टेस्ट, स्लोएस्ट, इस तरह से लिखा रहेगा. तो वहाँ से आप जो है जज कर सकते हो कि भाई एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है. अच्छा, और जैसा मैंने बोला हर एक स्टेप के लिए जब हम मॉलिक्युलरिटी निकालने की बात करते हैं वो हम कर सकते हैं, बट नेट जो मॉलिक्युलरिटी होता है वो डिफाइंड नहीं होता है ना. जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक समझाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन से. जैसे अगर बोल दिया जाए ए प्लस फोर बी गिव्स ए बी फोर, और ये जो है मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो रही है. पहला जो स्टेप है ए प्लस बी गिव्स ए बी, सेकेंड स्टेप जो है ए बी प्लस बी गिव्स ए बी प्लस टू बी, गिव्स ए बी थ्री, और तीसरा स्टेप है ए बी थ्री प्लस बी गिव्स ए बी फोर. तो अगर बात करें कि भाई मॉलिक्युलरिटी या ऑर्डर, तो नेट ऑर्डर तो तब तक नहीं आ पाएगा जब तक मुझको क्वेश्चन ने बताया नहीं कि भाई इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है. जब तक मुझे ये नहीं बताएगा क्वेश्चन कि इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, तब तक मैं यहाँ पे बात नहीं कर सकता. तो ऑर्डर की अगर बात नहीं कर सकते हैं तो मॉलिक्युलरिटी की बात कर लेते हैं. मॉलिक्युलरिटी अगर देखो तो ये तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये जो तीनों स्टेप हैं दीज ऑल थ्री आर एलिमेंट्री, एलिमेंट्री स्टेप्स. जो भी स्टेप्स होती हैं वो एलिमेंट्री होती हैं. तो वहाँ पे मॉलिक्युलरिटी इंडिविजुअल डिफाइन हो सकता है, ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं है. मतलब ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी नॉट डिफाइंड, ऐसा हम लोग को बोलना है. देख सकते हो ये सबको जोड़ दोगे तो नेट रिएक्शन बन जाएगा, देख रहा है. जैसे ए प्लस बी से पहले ए बी बना, ए बी प्लस टू बी से ए बी थ्री बना, ए बी थ्री प्लस बी से ये बना, तो नेट आपको क्या बना, ए प्लस जो बी है ये तो आप नीचे लेके चले थे, बीच बीच में ऐसा ऐसा होता गया और आप ऐड करते चले गए टू बी, फिर यहाँ पे बी, तो ए बी फोर बना. तो नेट आपका यही बना कि ए प्लस फोर बी से क्या बन गया, आपका ए बी फोर बन गया. बीच बीच में आपके पास इंटरमीडिएट आते गए, है ना. जैसे ए बी क्या है, ए बी आपका ना इधर दिखाई दे रहा ना इधर दिखाई दे रहा, तो ए बी क्या हुआ, ए बी कट रहा है. ए बी इज योर इंटरमीडिएट, है ना, ए बी इज योर इंटरमीडिएट. सिमिलरली और कौन कौन से इसमें इंटरमीडिएट है, ए बी थ्री इज ऑल्सो इंटरमीडिएट. तो देखो एक सिंपल सा चीज ध्यान में रखो, द रिएजेंट
which is not a part of either reactant or product. Is called intermediate. तो वो reagent जो कि ना ही reactant का part है और ना ही product का part है, उसको ही हम लोग क्या नाम देते हैं, intermediate का नाम देते हैं. तो AB जो है, AB is intermediate. AB3 is also intermediate. आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें कि बीच में कुछ ऐसा फॉर्म होता है जो कि ना ही आपके रिएक्टेंट का पोर्शन है ना ही वो प्रोडक्ट का पोर्शन है, बस बीच में कभी फॉर्म हो गया और फिर ओवरऑल रिएक्शन में वो कैंसिल हो जाएगा. तो दैट इज ऑल्सो इंटरमीडिएट ओनली. जैसे कि आपने जब पढ़ा होगा जब चेन रिएक्शन होती है ना, तो चेन पहले मतलब इनिशिएट होता है, फिर प्रोपागेट होता है, फिर टर्मिनेट होता है ना. इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन, ये सब स्टेप्स होते हैं. तो वो क्या है, वो एक तरह का मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस का पार्ट है. वहाँ भी काइनेटिक्स जो है वो प्ले हो रहा है और ओवरऑल जो मॉलिक्यूलरिटी है वो पूरे रिएक्शन पे वहाँ पे भी डिफाइन नहीं होता है. वहाँ पे भी आपको इंडिविजुअली, लेकिन हाँ मैं भले इंडिविजुअली अगर रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी की बात करूँ तो वो मैं कर सकता हूँ. इंडिविजुअली ऑर्डर का तो नहीं कर सकता क्योंकि ऑर्डर तो पूरे रिएक्शन का एक होता है जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से आएगा जिसको सीखेंगे भी. बट इंडिविजुअल अगर मॉलिक्यूलरिटी आप बोलें, है ना, तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूलरिटी की अगर बात करें तो जैसे उधर वाला पोर्शन अगर मैं मिटा दूं, अगर लिख लिया हो आपने तो, तो इंडिविजुअल अगर मॉलिक्यूलरिटी की मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है बिल्कुल मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन हो जाएगी. मॉलिक्यूलरिटी कितनी डिफाइन हो, क्योंकि ये एलिमेंट्री है तो एलिमेंट्री में तो डिफाइन होता ही है, वो साइमल्टेनियस कोलिजन होते हैं, वही उसका मतलब होता है. तो ए और बी कितना, एक और एक दो, तो फर्स्ट वाला रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा. सेकेंड वाले की बात कर लेते हैं, सेकेंड वाले में मॉलिक्यूलरिटी बताओ, बताओ भाई, खुद ही बताओ, तुम लोग खुद ही सोचो. मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड है तो डिफाइंड है, तो एक ये हो गया और दो ये हो गया, तो दो और एक कितना हो गया, तीन. तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया भाई, थ्री हो गया. सिमिलरली तीसरे पे आ जाओ, तो तीसरे पे भी आ जाओ, तीसरे वाले की मॉलिक्यूलरिटी देखो. इंडिविजुअल का डिफाइन होता है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं. तो एक ये हो गया AB3 और B, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी हो गया टू. तो बात समझ में आई, इंडिविजुअल ऑर्डर नाम का कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन इंडिविजुअल मॉलिक्यूलरिटी नाम का होता है. ऑर्डर तो पूरे रिएक्शन का ही एक ही हम लोग हमेशा बोलते हैं, और अगर मल्टीपल स्टेप में है तो आपको एक टर्म है जो जिसका ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना. तो मैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर धीरे धीरे जाने की कोशिश करूंगा. इसके पहले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आप सीखो, उसके पहले मैं एक और क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूं, एक और क्वेश्चन को बनाऊं.
आर इट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर हाफ, ऐसा लिखा है और ये रिएक्शन दे दिया है ए प्लस टू बी गिव सी ऐसा करके, तो तुमको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मतलब इसने टाइप ऑफ रिएक्शन भी पूछा है और ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी की इसमें यहाँ पे बात इसने की हुई है बेटा। तो अगर हम बात करें कि भाई ये जो रिएक्शन है, सबसे पहले ये एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है, उसको ध्यान में रखो। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि मल्टीपल स्टेप, और वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपका जो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशेंट बराबर होगा ऑर्डर के, लेकिन एलिमेंट्री में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशेंट ऑर्डर वाले चीज़ के बराबर हो जाता है। देखो, अगर ये रिएक्शन, इफ दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री, इफ गिवन रिएक्शन इज एलिमेंट्री, देन वी कैन राइट या वी कैन एक्सप्रेस आर एज आर इट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2। बोलो बेटा, अगर ये एलिमेंट्री होता तो अपन ऐसा कर सकते थे ना। इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो पावर 1। इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, तो पावर 2। ऐसा लिखते अगर एलिमेंट्री होता तो। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला आर इज इक्वल टू के ए की पावर तो 1 बोला, लेकिन बी की पावर 2 नहीं बोला, बी की पावर हाफ बोल दिए। एंड दैट इज वेयर द क्वेश्चन हैज ट्विस्टेड यू। तो जब बी की पावर हाफ बोल दिया, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इट इज नॉट अ एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बेटा। बात समझ में आया? आप इससे जज कर सकते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन से जज कर सकते हैं कि रिएक्शन एलिमेंट्री है कि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि अगर एलिमेंट्री होता तो इस तरह से लिखाता, बट ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 तो है, बट यहाँ पे क्या दे दिया उसने, हाफ दे दिया ना। 2 दे रहता तो एलिमेंट्री बन जाता, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। यहाँ से ये बात क्लियर है, भले उसने स्टेप्स हमको नहीं दिखाए क्वेश्चन ने, लेकिन रेट लॉ दे दिया तो हम समझ गए वहां से कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी की। तो जैसा मैंने तुमको सिखाया कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, है ना, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी तो डिफाइंड ही नहीं होगी। मॉलिक्युलरिटी इज नॉट डिफाइंड इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी मतलब ओवरऑल। ये बात मैंने तुमको सिखाया हुआ है। तो अगर मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड नहीं है, ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी इंडिविजुअल वाला होता है, बट जब ऐसा वो दे देना कि मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू 3, ऐसा अगर वो बोल रहा है तो इसका मतलब है कि उसने इंडिविजुअल स्टेप की जो मॉलिक्युलरिटी करके लिखा नहीं हुआ है। तो जब इंडिविजुअल स्टेप्स का उसने मॉलिक्युलरिटी करके नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वो ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी की बात कर रहा है। और क्योंकि ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स निकल गया तो ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी की बात यहाँ पे नहीं की जा सकती। अगर ये एलिमेंट्री होता तो ये सही हो जाता बेटा, अगर ये एलिमेंट्री होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि 2 और 1 मिला के 3 बना देता। लेकिन ये एलिमेंट्री नहीं है तो मॉलिक्युलरिटी भैया डिफाइंड ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर की बात करता है। तो ऑर्डर बोल रहा है कि 3। अब देखो, तुमको पता है कि आर बराबर के ए की पावर एम बी की पावर एन ऐसा अगर लिखते हैं तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है एम प्लस एन ऐसा होता है। और m प्लस एन अगर है तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, 1 प्लस 1 बाय 2। 1 प्लस 1 बाय 2 मतलब ऑर्डर कितना होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए 3 बाय 2, है ना, ये ऑर्डर होना चाहिए, बट यहाँ दे रहा है 3, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ओनली सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसका मतलब कि ये सिर्फ एक क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, ओनली सेकेंड रिएक्शन इज करेक्ट। तो आई होप तुम लोग को ये कंसेप्ट थोड़ा सा, क्वेश्चन क्योंकि मैंने जब लगाया तो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एक रिएक्शन में एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी, इनकी डेफिनेशन किस तरह से अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन में। अब हम इम्पॉर्टेंट पार्ट पे जा रहे हैं,
कि रेट लो एक्सप्रेशन को लाना फ्रॉम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो कैलकुलेशन ऑफ रेट लो एक्सप्रेशन इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्योंकि एलिमेंट्री में तो तुम जानते हो, एलिमेंट्री में तो कुछ अलग से नहीं सिखाने का है, एलिमेंट्री में तो सेम ही हो जाएगा जो स्टोइकोमेट्री रहेगा। फिर भी मैं लिख देता हूं ताकि बार बार तुम्हारा रिवीजन जो है वो होता रहे। एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ फॉर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ को किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, इस ये टॉपिक तुमको करना है आज। तो सबसे पहला ले लेते हैं कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो कुछ अलग से फंडा कुछ है नहीं। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सिंपल सा तुमको करना है कि जैसे ए प्लस एन ए प्लस कुछ बोल देते हैं यहाँ पे, एन ए प्लस आई बी गिव्स सी, ठीक है। मान लो कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन उसने बोल दिया, दिस इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहां पे सीधे R क्या बोल दो, R इट इज इक्वल टू के ए की पावर n b की पावर i। देखो जनरली m और n से मैंने पढ़ाया है, इवन किताब में भी तुम लोग वही देखोगे, बट ऐसा नहीं है, m और n तो कुछ भी हो सकता है ना। मैंने m और n नहीं बोला, मैंने n और i बोल दिया, क्या गुना कर दिया क्या ऐसा बोल के, भाई नहीं किया, कुछ भी बोल सकते हैं वहां पे, ठीक है, n और i बोल दिया। तो ये नहीं सोचना कि सर मतलब एम और एन लिखा हुआ है हर जगह, ऐसा नहीं है, वो बस ऐसे ही लिखने के लिए लिख दिया है, वो तो कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता, वो नंबर एक्चुअली में कोई भी, तो मैंने स्पेस कम था तो आई कर दिया उसको। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हो तब भी लिखो, क्योंकि प्रॉब्लम अगर है तो तुम्हारा कंसेप्ट जो है वो ढीला है ना, कंसेप्ट को थोड़ा तेज करो, वो दे आर जस्ट अ नंबर। नंबर अगर है तो अपन कोई भी सिंबल से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो R इज इक्वल टू के ए की पावर एन बी की पावर आई, ऐसा डायरेक्टली बोल सकते हो एलिमेंट्री रिएक्शन में। लेकिन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो ये मैं एकदम पॉइंट वाइज तुम्हें आज ये टॉपिक कराने जा रहा हूं, ताकि तुम लोग जो है इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं हो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। For complex reaction, it is calculated with the help of RDS. RDS मतलब बोले तो rate determining step. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस। अभी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है क्या, इस पे जिक्र करते हैं थोड़ा। नहीं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है एक्चुअली में, इट इज द मोस्ट slowest step, it is the most slowest step during a chemical reaction in complex nature। मतलब कोई reaction है, chemical reaction जो complex type का है, complex reaction है, तो उसका जो slowest step होता है, that is called the
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना, आरडीएस, दैट इज कॉल्ड द आरडीएस। आरडीएक्स मत समझना है ना, पता चला तुम लोग आरडीएक्स समझ लो और फिर विस्फोट करते फिरो, या वेलकम मूवी में जो आरडीएक्स था उसको उठा के लेके आ जाओ चिता से। तो आरडीएस है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट इज द मोस्ट स्लोएस्ट स्टेप ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इन कॉम्प्लेक्स नेचर। केमिकल रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स का है उसमें जो मोस्ट स्लोएस्ट स्टेप है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ बेटा ए गिव्स बी, ये मेरा नेट रिएक्शन मैं देख रहा हूँ, और मान लो कि ये दो स्टेप में होता है ना, पहला स्टेप है मान लो कि ये पहले मान लो किसी इंटरमीडिएट में फॉर्म होता है, ए से मान लो कि सी बनाता है, और दूसरा स्टेप है कि ये सी से बी में कन्वर्ट होता है, मान लो कि ऐसा है ना। तो हियर सी इज व्हाट, हियर सी इज द इंटरमीडिएट, यहाँ पे जो सी अपना इंटरमीडिएट है। अच्छा, और मान लो कि तुमको लिख दिया कि ये रिएक्शन जो है ये 10 आवर्स लगेगी, जिसमें तुम्हारा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाना चाहिए। हार्डली तीन क्लास इज सफिशियंट टू कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहो।